नमस्ते दोस्तों, स्टोरी रूम आपके लिए लाए हैं एक हॉरर स्टोरी। स्टोरी की नाम है ए हॉरर रूम, एक डरावना कमरा। ये स्टोरी है मृत्युंजय नाम वाले एक आदमी का। मृत्युंजय अच्छा राइटर था, नाम थे बहुत लेखकों के बीच। मृत्युंजय के कुछ खास दोस्त भी थे। एक दिन मृत्युंजय ने सोचा एक बढ़िया सी नॉवेल लिखी जाए, तो वो सोचा कि किसी शांत जगह पर जाना होगा अगर एक अच्छा सा नॉवेल लिखना है तो। ये सोचकर मृत्युंजय ने अपने घर से दूर एक सुनसान जगह पर एक छोटा सा कमरा भाड़े पर लिया। वो कमरा छोटा सा था, लेकिन जगह बहुत अच्छी थी, शांत बिल्कुल। मृत्युंजय ने सोचा कि ये तो बढ़िया जगह मिल गया उसे लिखने के लिए। कमरे में एक बेड, एक टेबल, एक चेयर और दीवार पर एक मिरर था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगले दिन ही मृत्युंजय वहां शिफ्ट हो जाता है अपने कुछ जरूरतों के सामान के साथ, और फ्रेश होकर कुछ खाने के बाद वो लिखना शुरू किया। पहले 2 दिन तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 3रे दिन से कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। मृत्युंजय को ये अजीब घटनाएं परेशान तो कर रही थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है। नज़रअंदाज कर रहा था उस घटनाओं को मृत्युंजय, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटा कि मृत्युंजय चिंतित हो गया। एक दिन सुबह नींद से उठने पर मृत्युंजय ने मिरर पर नजर डाला, तो उसने मिरर पर खुद को नहीं बल्कि किसी और आदमी को देखा, जिसकी आंखों की पुतलियां लाल था और बहुत सारे दाढ़ी थे। मृत्युंजय ने अपने आंख रगड़कर फिर से मिरर पर देखा, तो उसने खुद को ही देखा इस बार। पहले वो सोचा कि ये शायद उसका बहम है, लेकिन वो चिंतित हो गया। उसके बाद फ्रेश होकर कुछ देर मृत्युंजय लिखते रहे, फिर दिन के समय मृत्युंजय खाने के लिए निकलते हैं। सोचा कि आज लॉन्ग वॉक पे जाएंगे। मृत्युंजय को वो कमरा आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस कमरे में उसका बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, लेकिन रात हो गया था। उसने सोचा कि अगर जाना होगा तो कल सुबह ही जा सकते हैं। तो फिर वो रात के टाइम खाना खाकर उस कमरे में लौट आया और लिखने के लिए बैठा, लेकिन वो देखा कि उसका पेन उस टेबल पर नहीं है, जबकि उसे वहां पर ही होना चाहिए था। मृत्युंजय श्योर था कि वो उस पेन को वहीं सुबह छोड़कर गया था। मृत्युंजय कुछ देर तक सोचा और ये घर छोड़ने का ठान लिया। फिर मृत्युंजय अपने बिस्तर पर सो गया, लेकिन कुछ देर बाद पूरे कमरे में से किसी आदमी के फुसफुसाने का, हंसने का, रोने का आवाज आने लगा। मृत्युंजय तो बहुत डर गया इस बार। वो डर से कांपने लगा, फिर पूछा कि कौन है वहाँ। उसके पूछने पर तुरंत वो आवाज रुक गया। मृत्युंजय फिर पूछा कि कौन है, लेकिन कुछ नहीं। बाहर में बहुत तेज बारिश होने लगी और उसके साथ तेज हवा। मृत्युंजय सोचा शायद हवा की साउंड होगा, लेकिन फिर वो सोच लेते हैं कि कल एकदम सुबह में ही कैसे भी करके यहाँ से वो निकल जाएगा, और आंख मूंद कर सो गया। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर में उसने अपनी खुद की कान में बहुत ही स्पष्ट रूप से सुना कि एक आदमी उसे कह रहा है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहाँ पे ही रहोगे। और दोस्तों, ये सुनकर मृत्युंजय जैसे ही आँख खोला तो वो उस दाढ़ी वाले आदमी को अपने बिस्तर के पास ठहरा हुआ पाया। बाहर में बारिश और हवा और तेज हुआ,
और वो आदमी देखते ही देखते हवा में मिल गया। मृत्युंजय उस पूरी रात में नहीं सो पाया। भोर होने पर बारिश बिल्कुल रुक गया। तब मृत्युंजय अपना सारा सामान जल्दी से पैक करके निकलने ही वाला था कि उसका नजर आईने पे पड़ा। पड़ते ही मृत्युंजय की पैरों तले से जमीन ही खिसक गया। आईने पे उसने फिर से अपने आप को नहीं देखा उस दिन की तरह, लेकिन आईने पर उस दूसरे आदमी भी नहीं था। आईने पर कोई भी नहीं था। मृत्युंजय आईने के सामने खड़े थे, लेकिन आईने पर किसी की भी छवि नहीं था। ऐसा कैसे हो रहा है? मृत्युंजय पीछे मुड़कर देखा कि वो दाढ़ी वाला आदमी उसके पेन से टेबल पर उसकी ही डायरी में लिख रहा था और उसकी तरफ देखकर एक शैतान की तरह हंस रहा था। मृत्युंजय चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके गले से कोई भी आवाज नहीं निकला। सडनली दरवाजा पर नॉक हुआ। मृत्युंजय, क्या तुम घर पे हो? दोस्त, मृत्युंजय के दोस्त। मृत्युंजय दरवाजे के पास जाना चाहा, चिल्लाना चाहा कि हाँ मैं हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, हेल्प करो। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। वो हिला तक नहीं। वो दूसरा दाढ़ी वाला आदमी दरवाजा खुला और उसके दोस्त उस दूसरे आदमी को कह रहा था, अरे मृत्युंजय, तुमने तो दाढ़ी उगा ली चेहरे पर। उसका दोस्त उस दूसरे दाढ़ी वाला आदमी को मृत्युंजय समझा। मृत्युंजय कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बस देख रहा था। वो देखा कि उसके बैग लेकर उस दूसरे दाढ़ी वाला आदमी उसके दोस्त के साथ उस कमरे से निकल गया हंसते हंसते। मृत्युंजय से उस दाढ़ी वाला दूसरे आदमी रूपी शैतान ने सब कुछ छीन लिया, मगर एक चीज नहीं छीन पाया। वो है मृत्युंजय की डायरी और वो पेन। मृत्युंजय आज भी लिखता है, मगर कोई पढ़ता नहीं और कोई जानता भी नहीं सिवाय आपके। तो ये थी मृत्युंजय की कहानी। स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि कैसा हुआ। ओके, बाय।